बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद, आई एम योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर चुके हैं बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे बेटा। 8.2 में ऑपरेशन विद पॉलिनोमियल्स, ये बेटा आपके पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है बेटा, कि रिकॉल दैट इन योर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड द एप्लीकेशन ऑफ सम बेसिक ऑपरेशन इन अलजबरा, नाउ वी कैन लर्न मोर अबाउट देम। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग अलजबरा में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिस्कस किया होगा बेटा, और अब हम सेवन्थ में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की एडिशन किस तरह करेंगे बेटा और पॉलिनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह होगी। इन पॉलिनोमियल्स वी यूज़ द सेम मेथड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दैट वी यूज़ फॉर लाइक टर्म्स विच इज़ गिवन बिलो। लाइक टर्म्स यहाँ पर जो बेटा एक वर्ड उसने यूज़ किया जो कि इम्पॉर्टेंट है कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, वो मैं बताऊँगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। लेकिन उसमें जो चंद पॉइंट्स बताए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले, वी कैन अरेंज द पॉलिनोमियल इन एनी ऑर्डर बट यूजुअली वी अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट द लाइक टर्म्स वर्टिकली इन सिंगल कॉलम फॉर एडिंग। सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होंगे हम उनको अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की जानिब, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करना बड़ी पावर से, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की जानिब। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे वर्टिकली, और उसके बाद सिंगल कॉलम बनाएंगे। फॉर सब्ट्रैक्शन वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल विच आर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड सिंपली ऐड देम। और जब लोग हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, लाइक टर्म्स का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, साइन सब प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे बेटा। अब बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज की जानिब, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के हमने करने हैं बेटा, 1-5 तमाम के तमाम पार्ट्स बेटा। फर्स्ट पार्ट में आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, x की पावर 2, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स का मतलब क्या है बेटा, इनके बेस और पावर क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। एक्सपोनेंट एंड बेस क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। कोफिशियंट का कोई मसला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी क्या बेटा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बेटा 2xy, और ये आपके पास 2xy, ये आपके पास वाई स्क्वायर है, ये भी आपके पास क्या है बेटा, वाई स्क्वायर। तो आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐड करना है बेटा आपने लाइक टर्म्स, एक जैसी जिसके बेस एक जैसे थे और एक जैसी पावर थी, उनको ऊपर नीचे लिखा बेटा, वर्टिकल फॉर्म में लिखा। अब आपने क्या करना है बेटा, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप देखते हैं कि उनकी कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं बेटा। ये बेटा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया बेटा, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी क्या है बेटा, 1 है, सेम साइन है। ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस 2xy, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2xy, कैंसिल ईच अदर, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 0xy, मतलब 0। यहाँ पर क्या है बेटा, वाई स्केयर, इसका क्वेश्चन भी 1 है और इसका क्वेश्चन भी क्या है बेटा, 1 है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2y स्केयर। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड भी करेंगे, और लाइक टर्म्स को लाइक में अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अनलाइक टर्म्स को या डिफरेंट बेस और डिफरेंट पावर वाले टर्म्स को आप इकट्ठा नहीं कर सकते बेटा। इसी तरह अब आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पार्ट की जानेब। इसमें एक्स क्यूब है बेटा, और यहाँ पर आपके पास है 3x² y माइनस 2xy² प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पर आपके पास क्या बेटा, 2x³ माइनस 5x² y माइनस 3xy² माइनस 2y³। अब बेटा यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब 2x³, यहाँ पे क्या है, 3x² y माइनस 5x² y किया गया, माइनस 2xy² और माइनस 3xy² ये आ गया बेटा। यहाँ पे वाई क्यूब है, ये भी क्या है बेटा, वाई क्यूब है। मैं कोफिशियंट को कंसिडर नहीं कर रहा, कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है,
लेकिन बेस और पावर्स क्या होनी चाहिए बेटा, एक जैसी होनी चाहिए, लाइक टर्म्स होनी चाहिए बेटा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर क्या बेटा 2 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, ये बड़ा बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू हो, इसमें से इसको निकालेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या बड़ा माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई, सेम साइन है बड़ा, क्वेश्चन ऐड करेंगे तो माइनस 5 एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा के 2 वाई क्यूब और ऊपर क्या बड़ा वाई क्यूब है, माइनस 2 वाई क्यूब में से वाई क्यूब निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा वाई क्यूब बचेगा बड़ा, क्या बचेगा बड़ा वाई क्यूब या वाई की पावर 3। तो इसमें भी आपने ऐड किया और आपने देखा कि ऐड करने से पहले मैंने जो आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन था उसको लिखा बेटा मैंने डिसेंडिंग पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 0 है, इसी तरह बेटा एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, अगर डबल वेरिएबल है तो एक वेरिएबल के हिसाब से देख लें और अगर सिंगल वेरिएबल है तो ज़ाहिर है कि उसमें तो आपको वैसे ही आसानी हो जाएगी कि मैक्सिमम पावर कौन सी लेनी है बेटा और उसके बाद पावर्स को डिक्रीज करते चले जाएंगे। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है और इसमें 4 टर्म्स हैं और देखिए मैंने टर्म्स इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने टर्म्स के बारे में बताया था बेटा कि जब प्लस और माइनस के साथ आप लोग पार्ट्स को अलग करेंगे तब वो टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है बेटा। और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको भी क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया बेटा, इसको लिखा 2x की पावर 4 वाई माइनस 4 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 7 एक्स वाई क्यूब 4 और यहाँ पे क्या x की पावर 4 वाई माइनस 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और 8 एक्स वाई की पावर 4। आप देख रहे हैं बेटा कि एक तो मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा x की पावर के हिसाब से और दूसरा वर्टिकल फॉर्म में लिखा, वर्टिकल ऊपर नीचे लिखेंगे बेटा वर्टिकल। और तीसरी बात का आपने ध्यान रखना है बेटा लाइक टर्म्स होनी चाहिए, लाइक टर्म्स से मुराद क्या है बेटा कि सेम बेसिस हों और सेम एक्सपोनेंट हों। अब यहाँ पर x की पावर 4 वाई और x की पावर 4 वाई, अब बेटा इसमें पावर कितनी है बेटा 2 है और इसमें पावर एक्सपोनेंट के सॉरी इसमें कोएफिशिएंट आपके पास 2 है, इसमें 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 3 एक्स की पावर 4 वाई। इसी तरह यहाँ पर क्या है बेटा माइनस 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और माइनस 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा माइनस 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है प्लस के साथ 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, कैंसिल ईच अदर, तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। आप लिख दें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है बेटा। इसी तरह लास्ट में क्या है बेटा माइनस सेवन एक्स वाई की पावर 4 8 एक्स वाई की पावर 4, 8 में से माइनस 7 आप लोग निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा एक्स वाई 4 एक्स वाई की पावर 4 एक्स वाई की पावर 4। तो इस तरह से बेटा आपका ये जो पॉलिनोमियल्स थे, पॉलिनोमियल में एडिशंस कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बेटा ये आप लोग सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिर्फ आपको ये बताया कि एडिशन किस तरह करेंगे, एडिशन करने से पहले बेटा उसने एक रूल बता दिया आपको कि करना क्या है, कि सबसे पहले तो आपने उनको अरेंज कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें और या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आम तौर पर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं बेटा। उसके बाद आप उसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा वर्टिकल फॉर्म में आप पॉलिनोमियल्स को लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे लिखेंगे बेटा। और लाइक टर्म्स का मैंने आपको बता दिया बेटा कि सेम बेसिस होंगे और एक्सपोनेंट क्या होंगे बेटा डिफरेंट होंगे। लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे बेटा ऐड कर देंगे, कोफिशंट्स को क्या करना है बेटा ऐड करना है, सेम साइन ऐड होंगे बेटा और डिफरेंट साइन क्या होंगे बेटा सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ी वैल्यू में से आप लोग छोटी वैल्यू क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे बेटा। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 8.2 में एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल समझ आया होगा, अगर कोई बात समझ ना आई हो या वजाहत तलब रह गई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।